जिस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की सरकार ने किए, किसानों के साथ धोखा करा, वो इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, राक्षसों की प्रवृत्ति कार्यकर्ताओं का। जिस तरह से तुलसीराम सिलावट जी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के लोगों से, जनता से मिल रहे, लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जनता का कितना प्यार देखने को मिल रहा है तुलसीराम सिलावट जी के प्रति? सिलावट जी ने मंत्री पद पर रहते हुए काफ़ी अच्छे काम किए हैं और जनता का भरपूर समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पर सिलावट जी अच्छे मतों से जीतेंगे। अगर मैं बात करूं तो तुलसीराम सिलावट जी की, वो एक जमीनी स्तर के नेता है, वो तो उस पर जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या सोच है उनको, जो आप जनता को पहुंचाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक विधायक को या मंत्री को जितना सरल सहज होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा सिलावट जी सरल और सहज हैं। बहुत से मंत्रियों का बर्ताव देखा है मैंने कांग्रेस के समय भी और बाकी लोगों की, सिलावट जी बहुत सरल हैं और सभी से सम्मान से मिलते हैं और सभी की समस्याओं को हल करते हैं, और इसी बात का लाभ उन्हें पूरे विधानसभा क्षेत्र में मिल रहा है और व्यापक जनसमर्थन भी उनको प्राप्त हो रहा है। अगर मैं बात करूँ साधु और शैतान की, उसको लेकर आपका क्या कहना है? वास्तव में साधु और शैतान की लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, दोनों विचार को किसी व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई तो सीधे सीधे जिस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की सरकार ने किए, किसानों के साथ धोखा करा, कर्ज माफी का वादा करके सरकार बनाई और जनता के साथ छलावा किया, और कमलनाथ जी की सरकार में कई अपराध भी बढ़े थे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग किसी एक विचार को लेकर नहीं चलते हैं, वो इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, राक्षसों की प्रवृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के विचार आप देख ही रहे हैं। अगर मैं सांवेर की बात करूं कि सांवेर और इंदौर दोनों एक से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं भी सांवेर थोड़ा सा विकास के उसमें पिछड़ा हुआ है, तो उस पर आप, अगर जनता तुलसीराम सिलावट जी को चुनती है, तो किस तरह से आगे के और कार्य होंगे, किस तरह से आगे का विकास होगा? मुझे लगता है कि इसके पहले राजेश सोनकर जी भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, उनके विधायक के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में सांवेर का काफ़ी विकास हुआ है, और अभी जो तुलसीराम सिलावट जी ने भी यहाँ काफ़ी प्रयास करे हैं, नर्मदा योजना यहाँ पे लेके आए हैं, और सरकार का ध्यान अब ऐसे क्षेत्रों पर ही है जहाँ पर विकास कम हुआ है। इंदौर में पर्याप्त विकास हुआ, वैसे स्थानों पर ऐसी विधानसभा पे ध्यान देंगे जहाँ पर विकास की कमी है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।